कहते हैं कि माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी औलाद होती है और औलाद को भी अपने माँ बाप से बेहद प्यार होता है। मगर आजकल के समय में रुपया पैसा और जमीन जायदाद ने इन रिश्तों के बीच में दरार पैदा कर दी है, जिस कारण माँ बाप और औलाद के बीच का रिश्ता कलंकित हो रहा है। ऐसा ही माँ बाप और औलाद के रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला फाजिल्का में सामने आया है, जहां पर अपनी औलाद के उत्पीड़न से सताए हुए एक जुर्ग ने अपनी पीड़ा मीडिया को बताते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसके लड़के और लड़की अक्सर उनसे कथित झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं, जिसकी वीडियो फुटेज भी उनके पास है। पीड़ित ने बताया कि उनकी ओर से इस बारे में पुलिस को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई, मगर अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिल पाया। उसने पुलिस प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मैं प्रकाश मलेठिया, पिंड चूड़ी वाला तन्ना। मेरी जमीन जायदाद घर मेरा चूड़ी वाला तन्ना विच ही है। मेरे दो लड़के थे, एक लड़की है, दोनों लड़के ब्याहे हुए हैं। वड्डा लड़का मेरे घर दे विचों ही हिस्सा लेके अड्डे बैठा हुआ है। छोटा लड़का जड़ा टीचर लगे तरन तारण। लड़की है जड़ी है पहला उन्हें MBA की हुई है, बाकी और भी उन्हें कई ला भी कर ली। उन्हें अपनी मर्जी नाल शादी की हुई सी। पहला वो चलो एडजस्टमेंट करना चाहती सी, वैसे भी सहयोग करते थोड़ा बहुत, पर सू बहुत तंग कर दिए शुरू तो ही, पैसा लैन देन से हर चीज़ के बीच तंग कर दिए। हूँ 10 महीनों तो बहुत तंग कर लग गई। छोटे लड़के नाल नौ नाल झगड़ा कर लिया, पहला व्डे नाल करके उन्होंने अड किया, फिर छोटे नाल हूँ कर लिया 10वें महीने से। तो साढ़े तो परचा कराता झूठा ही मारिया कुटिया। काफ़ी समय तो सानू बहुत परेशान कर रही है, कहती है भी ये घर जड़ा है मेरे ना लुआओ, जमीन मेरे ना लुआओ। सानू खाना नहीं बना देंदी, खाना खान नहीं देंदी, खाना बना ले जाए तो वे कई बार इन्हें कुछ जहरीली चीज़ा पातियाँ जिद असं बीमार हो गए। मेरी पत्नी का 2000 ब्रेन का ऑपरेशन होया सी, वो वैसे बीमार रही, हूँ भी वो ट्रीटमेंट चल रही है गंगानगर तो। उतो दवाई लैन जाइए तो उत्थे जान नहीं देंदी, घरों बहर आ जाए किसी मिलन तो बुआ बंद कर लेंदी हैगी, बाहर 2 घंटे खड़ी रहती है बिचों नहीं आन देंदी। मैं कमरे के बिचों ना तो मैनू मारन वास्ते या उन्होंने जिम्मे अपना कोई वीडियो बना के मेरे ते परचा दोबारा कराना चाहती हैगी। पहला भी एक बार साड़ी सत्ती कुंजा करा दी सी, आप दी दी हले ही नहीं हुई। इस तरह करके सानू तंग करिए, मेरे खेत में मैनू नहीं जान देंदी। मेरे पिछले साल का नरमा खड़ा हले तक, इस साल जोड़े बाद कणक भी नहीं बीजन दी, नरमा भी नहीं हूँ बीजन दिता। वो पिछले साल वाला नरमा ही खड़ा, बाग है मेरा सारा, बाग के जड़ा पानी नहीं लाने दिता 8 महीनों तो, वो स्प्रे कोई वो संभाल नहीं कर दी, मैं खेत वढ़न नहीं देंदे। नरमा चुग रहे उदो पहला मनजीत कुमार वो मिसिज जी है वो नरमे वाले रोके आई, हूँ भी वो जड़े मेरे ते एक झूठा एक एप्लीकेशन दे रखी हैगी। इस तरह करके वो मैं तिने बड़े परेशान कर रहे है, इस तरह सारा जोड़ा है बहुत दुखी किया हो। वड्डा मुंडा 2018 से अड हो गया सीगा, वो भी इन्हें सरिता ने झगड़ा करके अड किया सीगा। वो भी हूँ पहला झगड़ा करता रहिंदा मेरे नाल, खेत दे विच मैनू मारन पिया कई बारी 2018 तो लैके अज तक। हूँ पिछले साल ये दोनों इकट्ठे हो गए हूँ तो मेरी सारी जमीन हड़पना चाहते है, खेत च नहीं वड़न देंदे, मारन पैंदे है। जिस तरह लगातार मैं 18 तो लैके पहला मुंडा जोड़ा झगड़ा करता सी, एप्लीकेशन दीतियाँ थाने SSP साहब न DSP साहब न, इस तो बाद भी जी है सारियां DIG साहब SSP साहब DSP मैडम जी है SSP मैडम जी है, इन्हों बार बार हर जोड़े झगड़ा किया है, उन्हें हर बारी भी इन्हों कोई 10-12 बारी दरखास्तं दीतियाँ। मेरी एक गड्डी सी आर्टिका, वो मेरी गड्डी है धक्के लै गई, वो भी मैं एप्लीकेशन उस दिन देती सी थाने, तो इन्होंने उत्ते भी सारियां मैं एप्लीकेशन दी, जिन्हें एप्लीकेशन दी उन्होंने सारियां से मैनशन किया है भी मेरे नाल ये धक्का होया है, इन्नी बारी हो झगड़ा किया, मेरी मिसिज नूं इन्होंने कई बार मारिया है, रोज़ धक्का मार के बाहर कढ़ दिंदी है। सारे अफसरों एप्लीकेशन है मेरे कोल, है सारिया रिकॉर्ड है, फोटो भी है,
एप्लीकेशन दीतियाँ, सारे कहें दफ्तर दाखिल कर देंगे, कहें जी थोड़ा घरेलू मामला हैगा, ये असी ये कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रशासन को रिक्वेस्ट करता हाँ कि मेरे नाल जो इन्ना धक्का हो रहा है, इन्ना धक्का होया, इन एप्लीकेशन दीतियाँ है, और बाद डी जी पी साहब मेरी रिक्वेस्ट हैगी कि जो हुण मेरे नाल जो धक्का हो रहा है, अज भी अज की तारीख में भी मैं घरों निकलिया बड़ी मुश्किल नाल, मेरे पिछे गड्डी लाती इन्होंने, तो मेरे मैनू कहन लगे भी तेनू अजय मारना ही हैगा, तो ताही ये ठीक आऊगा, तो मैं बस मुश्किल नाल निकल के आया। तो इस तरह करके हुण जिहड़ा मेरी जिहड़ी कोई इस तरह की जिहड़ी हेल्प की जाए, मैनू मेरा बचाव किया जाए, जो कोई किसी तरह की घटना घटती हैगी, मैं पहले एप्लीकेशन से भी लिख के दिता हुआ है, जिम्मेवारी। वही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में पीड़ित बुजुर्ग का कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रकाश चंद चूड़ी धरने का रहने वाला, अपनी बेटी ने परिवारिक तौर पर डिस्प्यूट आदि संबंधी कल थाना खोई गड़े पंचायती तौर पर दोनों परिवारों के मध्य इकट्ठे हुए जिहड़े कल एस एच ओ खड़े को टाइम लै गया, एतवार तक का साडा पंचायती तौर पर बराली तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो साड़ी पंचायती तौर पर राजमा वो सानू मिलेगा।